देखिए, हम फैसले का आदेश का जो मूल है वो हम पढ़ दे रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है आज कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लाट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों को कराए और उस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ इत्यादि में उचित प्रबंध करें। कहने का मतलब ये है कि वो जो तहखाना था वो अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रिसीवर के तौर पर DM को सुपुर्द कर दिया था। अब उस तहखाने में पूजा पाठ के लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि मस्जिद प्रिमाइसेज में जो आप सो कॉल्ड मस्जिद रही है उस जगह पे अब पूजा पाठ का क्रम शुरू होगा जो धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले 6 महीने में जो कोर्ट को आदेश करना है 91 वाले मुकदमे में उसमें भी हम लोग का दावा डिग्री होगा और सारा जो कैंपस है जो 500 साल से लड़ाई चली आ रही है उसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। अरे आइए भाई, एक मिनट आइए। बड़ी जीत मानते हैं इसको देखिए, ये प्रथम जीत है। अभी बहुत माइल्स टू गो, अभी लंबी लड़ाई सफर होना है। अभी हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट है, निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष इसको लेके हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो एक चीज तो अभी ये है, लेकिन ये एक प्रारंभिक विजय है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन और जो अब तक हिंदू पक्ष कहता रहा है उस दावे को समर्थन मिला है। कब से पूजा पाठ शुरू करने का आदेश है? देखिए, इसमें 7 दिन के भीतर का समय दिया गया है, तो आज से मान लीजिए कि आज है 30 तारीख, तो 5-6 तक उनका प्रशासन को लिमिट है। देखिए, ये भी संभावना है कि मुस्लिम पक्ष इसको लेके हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट स्टे भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला, तो अपलेट कोर्ट है। अभी तक मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन कुल मिला के हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी विजय है। आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्र पत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर, हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया, इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में इसे देखा जाना चाहिए।